खड़े होके बोलो किसी साहब ऐसे क्यों बोलते हैं। जय हो, मैंने हम आप बोले बोले भारत माता की। देखो मेरे को बाप जी का आदेश है और बाप जी ने कहा है कि प्रवचन भी देना है और भाषण भी करना है, तो प्रवचन की शैली तो ये थी कि बैठे बैठे जयकारे बुला दी और भाषण की शैली है कि खड़े होके बुला दी। जब संतों का संगम और संतों का सानिध्य हो और संतों की तपो भूमि हो तो वहां सब कुछ प्राप्ति होती है। और ये भी कहा है कि तो बिना पैर वाला है वो भी पहाड़ लग सकता है भगवान की कृपा से, अंधा भी देख सकता है, बहरा और गूंगा सुन सकता है। ऐसे संतों की तपो भूमि पर जब अपना आते हैं तो कोई असंभव नहीं, सब संभव हो जाते हैं। बुखार था, शरीर थका हुआ था, मन यहाँ आने का था पर शरीर नहीं मान रहा था, फिर भी संतों की जो तपोभूमि थी उसने यहाँ बुलाया। यहाँ आने के बाद में बिल्कुल ही वो भूल गया कि शरीर में कुछ तकलीफ भी है, तो मैं ऐसी तपोभूमि के चित्त पुरुष को प्रणाम करते हैं। भगवान भारती जी बाप जी के श्री चरणों में उनकी समाधि पर नतमस्तक होकर के मैं मंगल कामना करता हूँ कि क्षेत्र में जिस प्रकार आपकी कृपा बरसती रही है सदियों सदियों से, ऐसे ही आपकी कृपा हमारे भक्तों पर बरसती रहे, यही आपसे प्रार्थना है। अपने इष्ट देव, अपने प्रधान देव, अपने कुल देव, अपने गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज संत संगम भी है, यहाँ कई संत विराजमान हैं, सभी संतों के श्री चरणों में सादर ओम नमो बुलाना, सादर ओम नमो बुलाना। हमारे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी पधारे हैं, इनको भी बहुत बहुत मंगल कामना आशीर्वाद। और मंच पर विराजे हमारे सबके बहुत आदर्श और वयोवृद्ध हमारे ठाकुर साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद का, स्वस्थ और मंगल कामना रहे। क्योंकि नागनी जी माता जी के मंदिर के नींव के पत्थर बनकर के जो मेहनत करके उमेश सिंह जी हराबा साहब ने तो एक अपना बहुत कुछ दिया है, ऐसे त्यागी कर्मठ पुरुष को भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। हमारे सरपंच साहब विराजे हैं ठाकुर साहब, भवानी सिंह जी और साथ में बैठे हुए भगवान सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामना। सामने बैठे हुए सभी सज्जनों को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना। एक संतों की वाणी है, एक संतों का शब्द है, सिद्ध रहो को पूजिए, सिद्ध गयो की ठोड़। जब सिद्ध बैठते हैं तब तक सिद्ध की पूजा होती है, जब सिद्ध वहां से समाधिस्थ हो जाते हैं तो उस जगह की पूजा होती है और सदा चेतन रहता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष भगवान भारती जी महाराज की समाधि स्थल पर ये सिद्ध जगह है, ये साधक ये साधना की तपोभूमि है। और यहाँ आने पर हम सब जिस भाव से आएंगे वही भावना हमारी प्राप्त होगी, वही सिद्ध होगा। तो आप सब लोग बड़े भावना से आए हैं, बड़ी श्रद्धा से आए हैं, बड़े विश्वास से आए हैं, बड़ी आस्था से आए हैं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना बाबा जी पूरी करेंगे, इसी में आशा रखता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ। मैं दो बात करके अपनी बात को पूरी करूंगा, इतनी लंबी नहीं करूंगा। कभी कभी विचार करते करते अपने पास आने का प्रयास करता हूँ कि मैं कौन हूँ, और जब मैं कौन हूँ का आभास करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लगता है और बोध भी होता, ज्ञान होता है। और मैं निवेदन ये करता हूँ कि मैं कौन हूँ ये शब्द आप थोड़ा प्रयास करें कि आपने ये अपने से कब प्रश्न किया था कि मैं कौन हूँ। एक बार कोशिश करो थे कदे मन में विचारे दो कि हूं कौन हूं, शायद महीना निकल गया वाला, साल निकल गया वाला, अपे अपने गोडी गले बैठा इसको नहीं कि हूं कौन बैठा हो तो बता, अपे अपने गोडी बैठा इसको नहीं हूं कौन हा जके दिन अपर मई में ललक लाग जाला है कि हूं कौन हा। उन दिन वास्तव में अपर जीवन रो कहीं काम करना भी शुरू कर देना, दुनिया में जरूर डोला पर उगम पहले अपने गोडी बैठना बहुत जरूरी है। अपर गोडी बैठते मैं कौन हूं
उसको कहते हैं अपना बोध करना, मैं कौन हूं, यानी आत्मबोध करना कि मैं हूं कौन। दो प्रकार होते हैं, एक तो शरीरों करना और एक सूक्ष्म शरीरों करना। स्थूल शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर वही आत्मा है अपनी। तो मैं कौन हूं, और शरीर है, और शरीर किन्ने घरे बड़े हो, कौन सो समाज है, कौन सो परिवार है, कौन सो धर्म है, कौन सो देश है, और इन शरीर किन्ने हाथे कहीं कहीं संबंध है, केरा गुरु लागा हो, केरा शिष्य लागा हो, केरा पुत्र लागा हो, केरा बाप भी लागता बोला, केरा बेटा लागता बोला, केरा पति भी हो, केरी पत्नी है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है। तो इन शरीर में किन्ने हाथे कहीं कहीं तो संबंध बड़े हो ना, बड़े हो नहीं बड़े, तो कोई ना कोई केरे हाथ संबंध बड़े हो डॉक्टर साहब। तो संबंध बड़े होने मतलब ए पुत्र को हूं, इन्हें ए लागो हूं, ए हूं। जद जो आप हो हिस्सा वही हमें करना है, उसको कहते हैं कर्तव्य का बोध करो और कर्तव्य का पालन करो। मैं एक संत हूं तो इसका बोध कब होगा, जब मैं मेरे पास बैठूंगा, मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं देश का नागरिक हूं। जब अपने पास बैठेंगे तब बोध होगा कि मैं ये हूं, और जो है वो करो, इसी को कर्तव्य बोध करते हैं। समस्या रो समाधान भी अठे, समस्या खड़ी भी अठे हुए कि आप जो हो वो करो को नहीं, जदे समस्या खड़ी हुए। कोई पिता है वो पिता रो धर्म नहीं निभावे जदे वो गड़बड़ हुए, बेटो है बेटे रो कर्म नहीं निभा तो गड़बड़े, पति है पति रो धर्म नहीं निभा तो गड़बड़े, नेता है नेता रो कर्तव्य नहीं निभा तो गड़बड़े। और इनने शास्त्रीय भाषा में आप समझो इन्हें कहा करे कर्तव्य, हिंदी में कही गए कर्तव्य, और अंग्रेजी में ये लिखे गए ड्यूटी। कर्तव्य कह दो हिंदी में और अंग्रेजी में कह दो ड्यूटी, उर्दू में कही गए फर्ज या जिम्मेदारी, ठीक है। और शास्त्रीय भाषा में और संतरी भाषा में इन्हें की क्या करेगा धर्म, थारो धर्म कही है भैया, थारी ड्यूटी कही है अंग्रेजी में कहला, उर्दू में थारो फर्ज और जिम्मेदारी कही है, ठीक है, हिंदी में कहला आपका कर्तव्य क्या है। बात एक ही है ना, काम वही है, भाषा अलग अलग है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका फर्ज और जिम्मेदारी क्या है। और जो जिम्मेदारी जो फर्ज जो ड्यूटी और जो धर्म बनता उसको निभाओ, इसी के लिए जीवन है आपका। क्योंकि हम कर्मयोगी है, हम मनुष्य कर्मयोगी नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए आए हैं, कर्तव्य का पालन करने के लिए आए हैं। कर्म योनि कर्तव्य का पालन करने के लिए आइए। सभी समस्या यहां खड़ी होती है, जो हूं मैं करता नहीं हूं इसलिए समस्या खड़ी है। भाई भाई है पर भाई भाई आपस में भाई पड़े और धर्म नहीं निभावे कर्तव्य नहीं निभा तो झगड़ा वाला, सास बहू आपस में कर्तव्य निर्वाह नहीं करते झगड़ा वाला, पड़ोसी पड़ोसी तो धर्म नहीं निभा तो झगड़ा वाला, गुरु और शिष्य आप धर्म नहीं निभा झगड़ा वाला। और समाधान भी अठे और निभाओ तो समाधान झगड़ा खत्म। घर से लेकर के संसार के मंच तक समस्या का कोई कारण है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्माण नहीं करता है, और जिस दिन निर्माण करना शुरू कर दिया उसे घर से लेकर के संसार तक विश्व तक की सारी समस्या का समाधान भी यही है। पर एक बात और है, मैं आप सब लोग गाड़ी में चलने आया हूं, इन गाड़ियों में भगवान करे कभी हो ही नहीं, कदाच अपनी गाड़ी में कोई गाय एक्सीडेंट हो खत्म हो जाते मोटो पाप लागे नहीं लागे बोलो। अभी हैंग दुख मन करे अपनी गाड़ी गाय खत्म हो गई, हरिद्वार जाना पड़ेला, कहीं दान पुण्य करो, करो कि नहीं करो साहब। अपनी गाड़ी में भगवान नहीं करे पर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो खत्म हो जाते तो आप दुख तो वेला है, तो सजा भी वेला कि नहीं वेला, सजा ही वेला कि आपकी लापरवाही हुई नहीं जान गई हुए कि नहीं हुए। वो इस गाड़ी और आप जोड़े कर गाय ने मार दे तो महापाप है कि नहीं है। एक तो अचानक मर जा, एक जोड़ कर गाय ने मार, वही अपनी गाड़ी ने कोई आदमी ने जोड़ कर मार दिया तो धारा भी 302 हत्या की लगेगी वकील साहब एमएलए साहब 302 की लगेगी, धारा भी बदल जाएगी। तो जिस व्यक्ति को यह पता है कि मैं ये हूं और फिर नहीं निभाता है तो पाप नहीं महापाप है।
गुरु है गुरु का धर्म नहीं निपातन माँ पाप है, नेता है नेता का धर्म नहीं निपातन माँ पाप है, पिता है पिता का धर्म नहीं निपातन माँ पाप है, समाज का है कोई हिस्सा समाज के लिए नहीं सोचता तो माँ पाप है, देश का नागरिक है देश के प्रति नहीं सोचता तो माँ पाप है। तो जो आप हो वो नहीं करते हो, जानबूझ के नहीं करते हो तो माँ पापी हो। इसलिए इस कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का धर्म। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते कर्तव्य निर्वहन करना, देश के लिए करना, समाज और धर्म के लिए करना कोई उपकार और एहसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है हमने ये किया किसी के ऊपर उपकार किया, हम देश के लिए करेंगे हम धर्म के लिए करेंगे, हम नेता बन करके कोई काम करेंगे, हम किसी के पिता है किसी के भाई है किसी गुरु ये काम करेंगे तो सामने वाले पर कोई उपकार नहीं है आपका, वो आपका कर्तव्य था इसलिए आपको करना चाहिए था। आप और मेरे से अच्छा कर्तव्य निर्वहन पशु और पक्षी भी करते हैं। चिड़िया भूखी होती है फिर भी दाना उठा करके ला करके अपने बच्चे के पेट में डालती है, इसलिए नहीं ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो केवल अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। जंगल में गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भिड़ जाएगी, इसलिए नहीं कि बछड़ा बड़ा होकर के मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, नहीं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। हमारे से अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वहन पशु पक्षी करते तो हम तो इंसान है, हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और यही गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे मैं नहीं हथियार उठा सकता, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कौन है, अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना उठा दिया, वहां तो कर्तव्य बोध हुआ था ना, तब उन्होंने कर्तव्य पारायण किया पालन किया था। ठीक है से आज हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना सारी समस्या का समाधान। ये शरीर संबंधी है, ये कर्तव्य शरीर संबंधी है, ये शरीर के पास बैठोगे तभी होगा कि ये शरीर का संबंध किन किन से है, वो इस शरीर को ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, परंतु आप शरीर नहीं है, आप शरीर भी तो नहीं है, आप शरीर के अंदर कोई कोई बैठे वो उसका भी बोध कर लेगा आप कौन है, आप शरीर है क्या, आप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। एक बार पूरे शरीर के अंग इकट्ठे हुए हाथ पैर आंख नाक सभी साथ में बैठे बोले मोहरम एमएलए टिको एक दिन मोहर एमएलए बनाओ और मुख्यमंत्री बनाओ पूरे शरीर और मुख्यमंत्री को, तो है कौन पेल पक आया क्यों मन बढ़ाओ मुख्यमंत्री क्योंकि थे मारवा दे दूबाओ मन बनाओ मुख्यमंत्री, तो भाई तुम थोड़ा मोहम बार था थारे पकड़ मोड़ो ये संसद विधानसभा चल गई तो थे बढ़ाओ को नहीं चली थे बढ़ा देना वो पग बे गया तो आदमी तो जीतो हाथ आया हाथ बोले मन बढ़ाओ वही तो थारी रक्षा करो हूं थोड़ा पेट बनाओ मने मुख्यमंत्री बनाओ तो तू भी जा बे याद गया फिर भी आदमी जीतो आंखों बोली मने बढ़ाओ दो आंखों गई फिर भी जीतो कौन गया तो भी जीता बोले भाई ये मामला कही तो है कौन मुखियो कहने बनाओ ए बहुत बारीक बैठो तो दिखतो नहीं तो वो कहे मैं मारी पा भले जान देती जैसे ही वो गया सब मर गए वो कौन जिसको प्राण कहते हैं जिसको आत्मा कहते हैं उसका स्वरूप क्या है वही तो आप हो वही आप हो वही आप हो और ये तो आपकी गाड़ी है ये गाड़ी है आपकी हमने जीवन में कितनी गाड़ियां बदली है घना पैसा वाला तो घनी गाड़ी बारह महीने में एक बदले कि नहीं बदले नहीं तो जरूर साइकिल ली वाला पहले साइकिल बदलता मोटरसाइकिल माथे जरूर आया वाला पहले ऊंटों माथे चलता वाला ऊंटों में घोड़ों माथे घोड़ों माथे चलते चलते मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी जीप यूं करते करते आगे बढ़िया गाड़ियां बदली कि नहीं बदली हमने अपने जीवन में क्योंकि एक जीव यात्रा होती है और एक जीवन यात्रा जीव को भी यात्रा करनी उस प्राण को उस आत्मा को भी यात्रा करनी पड़ती है और जीवन को भी यात्रा करनी पड़ती है आत्मा को यात्रा करने के लिए भी साधन चाहिए और जीवन यात्रा में भी साधन चाहिए आत्मा जहां यात्रा करेगी वहां साधन चाहिए वो या नहीं बनते और जीवन यात्रा करने के लिए यहां साधन मिल जाएंगे आप अलग अलग फैक्ट्रियों में जाओ अलग अलग शोरूम में जाओ अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की जैसे ही आपके पैसे हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल सके फॉर्चूनर भी मिलेगा आप घना शोरूम में भले जाए आप देखोगे पर चाबी नहीं देंगे आपको
और ये सब बहुत महंगी गाड़ी में चले पर जन में नाम तो कोई आवे मैं होने को बड़ी थी पर वो कैसे मिली है उसकी कीमत दी होगी तब दी होगी देखने के लिए देंगे पर कीमत दोगे वो अपने पर कभी फ्री में चाबी नहीं पकड़ेगा कीमत दी है। वो गाड़ी क्या कराएगी वो गाड़ी ये यात्रा कराएगी जीवन यात्रा कराएगी और उस गाड़ी का यहाँ बहुत सारे शोरूम है बहुत सारे मालिक है बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं कौन सी गाड़ी जिससे हम जीवन यात्रा करते हैं जीवन यात्रा मतलब आज उठे ज्ञान काले उठे ज्ञान फलाने पर उठे ज्ञान उसको कहते हैं जीवन यात्रा और एक है जीव यात्रा जीव को भी गाड़ी चाहिए पर ये गाड़ियां जीव के काम की नहीं है जीव यात्रा करता है तो जिस गाड़ी में जीव बैठता है उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल है कितने मॉडल है 84 लाख उसकी फैक्ट्री में मॉडल है और सबसे टॉप का मॉडल था वो आप हम लेके आए हैं इससे बढ़िया मॉडल नहीं था उसकी फैक्ट्री मनुष्य का जो शरीर है तन है ये भगवान की फैक्ट्री में बना है भगवान की फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल बनते हैं इससे बढ़िया भगवान की फैक्ट्री में कोई दूसरा मॉडल था ही नहीं परंतु एक बात ध्यान रखना यहां हम महंगी से महंगी गाड़ी लाएंगे तो फैक्ट्री वाला हमें फ्री में नहीं देगा तो भगवान भी हमें फ्री में नहीं देते हैं जितनी महंगी गाड़ी लाएंगे इतनी मोटी कीमत देनी पड़ेगी यहां लाएंगे तो भी मोटी कीमत देनी पड़ेगी और भगवान के घर जाकर के ये मॉडल लाना तो भी बहुत मोटी कीमत देनी पड़ेगी यहां तो ये रुपये चलते हैं चेक चलेंगे वहां तो चेक रुपये चलते नहीं तो कौन सा धन ले गए थे इस गाड़ी को लाने के लिए धन की गठरी नहीं कर्मन की गठरी लेके गए थे जैसे कर्म किया ऐसा हमारे को जीवन मिला और मनुष्य कर्म योनि है ये गठरी भरने का मौका केवल मात्र मनुष्य को मिलेगा कर्म योनि में मनुष्य है वो बड़ी गठरी भर के जाएगा तब भगवान हमें पुनः अच्छा जीवन जीवन यात्रा है जीव यात्रा है पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म फिर मरना फिर जन्मा ये जीवन चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा पर कभी ऐसा मत सोचना कि मैं ये हूं और कभी ये भी मत सोचना कि ये मेरे किसी भी चीज को ऐसा मत सोचना कि ये मेरी है पद प्रतिष्ठा वस्तु किसी को ऐसा मत सोचना कि मेरी है और जिस दिन हमने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी है वहां दुख का कारण है कैसे ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच्याम किंचित तेन तक्तेन भुंजिथा मा कश्यसि धनम भगवान ईश्वर कहते हैं कि संसार आपके लिए बनाया मैंने प्रत्येक वस्तु आपके लिए संसार की सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज आपके लिए मैंने बनाई है ये संबंध ये रिश्ते ये पति ये पत्नी भाई मित्र धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब आपके लिए है पर कभी भूल करके ऐसा मत सोचना कि मेरी हमें हरिद्वार जाएं यात्रा करें रिजर्वेशन कराए सीट का उस सीट पर बैठेंगे कहेंगे ये आपके लिए सीट है कहेंगे कि नहीं कहेंगे ठेला उठाया अपने स्टेशन आई उतरा अपने को कोई दिक्कत हुई कोई मन में तकलीफ नहीं हुई इस पर कौन बैठेगा आप उतरे नहीं दूसरा बैठ रहा फिर भी आपके मन में कोई तकलीफ हुई कि हमारी चीज मारे की कर बैठे वही कदे क्योंकि आपने माना था कि यहां तक यहाँ के लिए ही मेरी आगे तक नहीं थी तो आपको दुख नहीं हुआ उसी सीट को यदि आप ये मानते कि मेरी है तो आपको कितना दुख होता ठीक ऐसे ईशावास्यम इदम सर्वम ये सब आपके लिए आपका नहीं है तेन तक तेन भुंजी था इसको ऐसे भाव के साथ भोग करो जिसे आपको कष्ट दे थोड़ा तनिक अपने पास बैठो क्षण भंगुर शरीर सपने भी माया है और द्वंद के साथ जी रहे हैं आपने जन्म लिया है उसी दिन आपकी मृत्यु आपके साथ आई है आपने जन्म लिया मृत्यु उसी दिन आई है एक गुरु जी के पास गए एक शिष्य मंत्र लिया बाप जी जैसे सिद्ध पुरुष थे मंत्र दीक्षा ली और उसके गुरु महाराज की कृपा से बहुत काम धंधा बढ़ने लगा वो मंत्र जो लिया था भाई साहब उसका जप करने का टाइम नहीं तो जब करने का टाइम नहीं मिला तो दुखी हुआ कि मैं बाप जी मैंने मंत्र दिया और मंत्र जाप करने टाइम को मिला नहीं तो काम धंधो मारी इतनी व्यस्तता बढ़ गई इतनी भागदौड़ बढ़ गई मंत्र तो जब भी देखो तो हाला बाप जी बोलिए माफी मांगो बाप जी एक दिन में मारे तो गाड़ो कटा दो गया पाचा
कि बाप जी आपकी कृपा हमारे है भलो तो कौन बढ़ो है मना हाय लेने टाइम को थे मंत्र दियो जाप करने को टाइम को नहीं है मन तो एक दिन बता दो घोमाड़ा पूरी करता पसे भारे कंधे फेरनी नहीं पड़े तो बाप जी दो तीन बार पूछो बाप जी कहेगा मैं भाई तो घड़ो आगे बढ़ गया भागदौड़ घनी होगी तो मरे हुए एक दिन पहले बताई क्या लाई राजी हो अरे बाप जी मारे घड़ो काटे जिंदगी भर रहो मरने एक दिन पहले तो लेना अपन बीजू की घड़ो के थोड़ी देर में कल ठिकाने आई के बाप जी को मरा ओ दिन तो बता दो मरी कदे तो हूँ एक दिन पहले ले रहा हूँ प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना और ये सत्य प्रत्येक दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है इसलिए हमें हर पल को इस तैयारी के साथ रहना है कि मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए मेरा पल कोई व्यर्थ ना चला जाए मैं मनुष्य बन के आया हूं पृथ्वी पर कर्मयोगी बन के आया मैं सत्कर्म करने के लिए आया हूं जिससे मेरा अगला जन्म अच्छा मिलेगा अरे कर्मों के आधार पर जीवन मिलता है सत्कर्म की पोटली भरने का मौका केवल मनुष्य जीवन में मिला टर्निंग पॉइंट है स्वर्णिम अवसर है गोल्डन चांस है आईएएस आईपीएस की परीक्षा में बैठ जाता पे हैंग रिलीफ शुभकामना करा रहे टाबर ये ना एक बार हमारे पीढ़ियों बाद कोई टाबर ने मौका मिले हुए कई पीढ़ियों बाद ये खानदान में टाबर एक मोटी परीक्षा में बैठो कितनी आशा रखो जो फेल हो जाता अपन कितो दुख हो ठीक ये अपन बड़ो मुश्किल मौका मिलो है बड़े धैर्य के साथ बड़े विवेक के साथ मिनक जमारो सफल की करो है उनने लिए आप रे गोटी बैठना शुरू कर दिया कि हूं कौन हूं कर्तव्य रो बोध कर लिया और बस करो अहंकार सो रख और द्वंद मौत जीवन जीवन और मृत्यु रो जोड़ो है एक लोग कदे नहीं आयो है सुख और दुख इनो भी जोड़ो है सुख है सुख चावला तो दुख जरूर आवेला आप ही मत हो दुख कदे आवेला को नहीं मान मिले तो कदे अपमान भी होला लाभ है तो हानि भी है द्वंद बार उठन हाणो सत्संग करो संतरी वाणिया सुनो तपस्या चरणों में आ और अपनो समर्पण कर कहो भगवान मारो जीवन सफल हो जाए मान को जन्म बार बार नहीं है दोहेलो है इन भाव रे साथे मैं बाप जी चरणों में पुनः प्रार्थना करूं कि अठे चित्ता आयोड़ा है आपरा सब सच्चा श्रद्धालु आयोड़ा है एक बात मारे मंदिरी वो हदाई कया करो बड़े कह दो और बड़ा ठावा ठावा समाज ना मिनक बेटा आप रे भड़कने रे में बहुत अच्छी बात हो रही है नशे माथे रोक लाग रही है ब्याह शादियों में भी बहुत बढ़िया वातावरण आप बना लियो है कि हमें उठे भी नशे माथे आप बहुत कंट्रोल करियो है दहेज वाते भी काफी कंट्रोल करियो है ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि शरीर भी अपने खुदरे शरीर ने भी नुकसान हुए आर्थिक रूप में भी हुए शारीरिक रूप में भी हो उन चीजों ने तो जरूर छोड़ दो संस्कार ले और शिक्षा ले और अपनी पीढ़ी और जो परंपरागत आप जो आपकी पहचान है उन्होंने बढ़ाई रखा एक आशीर्वाद है मैंने आप बुलायो भाई बहुत मैंने जेठ सिंह जी बड़े भाव बुलायो मारा तो एकदम शरीर तो एक उठने जेठ सिंह जी पे चेहरा देखो मैं कहा जेठ सिंह जी जाना पड़ेगा मैंने तो चलो बाप जी की कृपा में आयो आप मैंने धैर्य में सुनो रविंद्र सिंह जी बहुत दूर आया है और दिन रात आप देखो जाओ मारे हमें आप तो मोटी आ रहो वे दौड़ो पर थारी बरोबरी तो बहुत कुछ दौड़ी दे पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप हाँ लौटा लौटा तो लौटा रहे आया हूँ बल्कि लौटा है तो नहीं भी जोड़ो नहीं कह लौटा रहे हमें रविंद्र सिंह जी की दूर आया नीचे अगलो कार्यक्रम भी रहला और अपने ऊपर सिर माथे में मोटड़ा चुनाव भी है रे भाइयों होई गुना माफ जीतन यस ले जो ठीक है अरे भगवान ने देख दो मोदी जी ने देख दो कई मत देख हम अपना कहेंगे यस है अपनी शोभा है एमपी और चुनाव है मोटो उद्देश्य राख लो मोटो कालजो राख लो मोटो मन राख लो खमता नमता खाण आलो मोटो होया करे खमता नमता अपने माई ते खादी थी अपने खानी और वे हाथे अपने कोई छोटी मोटी बात है तो मोहन बाप जी जेड़ा बीच में राख्या तो फिर थोड़ा आशीर्वाद दे और सही मार्ग बता दे बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत शुभकामना बोलो गौ माता की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज आपने कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया सत भरियो संदेश देवे सगले देश में वंदन स्वामी वेश परम गुरु प्रताप सी गुरुवर देवे ज्ञान आचे अंत सूजले वाक पटु विद्वान
परबल गुणी प्रताप सी सतधारी सिरमोर नमन विवेकानंद ने जिनरो दिशे जोड़ पणधारी प्रताप सी। अब धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूँ भगवान सिंह जी साहब को।